दोस्तों OnePlus 5T ने धूम मचा दी है उसकी स्पेशली प्राइसिंग के साथ, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग, जब मैं लाइव कर रहा था इवेंट के इधर से, तभी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा डिफरेंस क्या है, हमने सिर्फ अभी बाय किया है OnePlus 5, अब क्या करें हम आगे, OnePlus ने ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं एग्जैक्टली जो डिफरेंसेस हैं OnePlus 5 और OnePlus 5T के बीच में। तो मैं आपको इस वीडियो में सब डिफरेंसेस बताऊंगा, उसके बाद में आप देखिए आपको क्या करना है। लेकिन 5T में है कुछ कुछ डिफरेंसेस जरूर है। 4 महीने या 5 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था OnePlus 5 और अब कल लॉन्च हुआ है OnePlus 5T, इसके सब डिफरेंसेस जानिए इस वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, और जी हाँ ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। OnePlus 5T versus OnePlus 5, क्या क्या डिफरेंसेस है। दोस्तों सबसे बड़ा अगर डिफरेंस देखा गया तो वो स्क्रीन है। जी हाँ, OnePlus 5T स्क्रीन जो है वो है 6.01 इंच की स्क्रीन है, वेयर एज OnePlus 5 की 5.5 इंच है। लेकिन एक बात याद रखिए, उसके जो पिक्सेल डेंसिटी है वो कम हुई है क्योंकि स्क्रीन बड़ी हो गई है, लेकिन पिक्सेल्स जो है उतने ही रहे हैं। तो 5.5 की जो स्क्रीन है वो आपको ज़्यादा पंचियर दिखेगी, लेकिन इन रियलिटी जब मैं कल यूज़ कर रहा था फ़ोन को तभी मैंने देखा कि इसके कलर्स और जो कलर्स पंचीनेस है कलर्स के वो भी बहुत अच्छा था। तो स्क्रीन वाइज इवन दो 5T का पिक्सेल डेंसिटी कम हुआ है फिर भी अच्छी स्क्रीन है। दूसरी बात स्क्रीन की, दोस्तों 18:9 एस्पेक्ट रेशियो है, इसका मतलब उसका जो साइड के बेजल्स हैं बिल्कुल ना के बराबर है, इनफैक्ट नहीं है, और ऊपर का जो नेक और चिन दोनों भी है वो भी बहुत ही पतला है, बहुत ही छोटा है। तो आगे जो पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर हुआ करता था क्योंकि नीचे का जो बेजल था वो मोटा था, तो OnePlus 5 में है फिंगरप्रिंट स्कैनर आगे की तरफ, इसमें नहीं है, इसमें आता है पीछे की तरफ। दोस्तों OnePlus 5T का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 80%, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव, और OnePlus 5 का है वो 74% है। उसकी वजह से आपको स्क्रीन रियल एस्टेट बहुत ज्यादा मिलती है, बेजल्स एकदम ही पतले मिलते हैं। तो स्क्रीन इज द हाईलाइट, दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन OnePlus 5T एंड OnePlus 5। दोस्तों बाकी दिखने में नियरली सेम है, सिर्फ OnePlus 5T का जो एजेस है वो ज्यादा कर्व्ड है, इतने ज्यादा भी नहीं है लेकिन स्लाइटली मोर कर्व्ड है OnePlus 5T। स्क्रीन छोड़ के दूसरा बड़ा डिफरेंस है दोनों में उसका कैमरा, रेयर कैमरा जो OnePlus 5T का है वो था पहले, जो प्राइमरी रेयर कैमरा था वो था 16 मेगापिक्सल, और जो सेकेंडरी रेयर कैमरा था वो था 20 मेगापिक्सल 2.4 f/2.4। लेकिन अब जो ये सेकेंडरी कैमरा OnePlus 5T में है उसका एपरेचर स्टॉप यानी एफ स्टॉप जो होता है वो 1.7 हो गया है, मतलब वो ज़्यादा लाइट लाता है अंदर, उसकी वजह से लो लाइट फोटोग्राफी जो होने वाली है OnePlus 5T पे वो बहुत अच्छी होगी। दोस्तों अभी तक हमारे पास रिव्यू यूनिट नहीं आया, बहुत सारे बड़े यूट्यूबर्स के पास आ गया है, हमारे पास नहीं आया है, लेकिन बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि आज भेज देंगे, अगले 2 दिन में आ जाएगा, उसके बाद में हम बहुत सारे कैमरा सैंपल्स भी करेंगे। लेकिन ऑन पेपर ये जो कैमरा है, कैमरा सेकेंडरी कैमरा, रेयर सेकेंडरी कैमरा है, वो ज़्यादा लाइट देता है, इसलिए लो लाइट फोटोग्राफी आपकी अच्छी होगी। दूसरी बात दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड, एक नया पोर्ट्रेट मोड लाया है जिसमें बहुत सारे उन्होंने अपडेट्स दिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जिसकी वजह से आपके जो पोर्ट्रेट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा अच्छे निकलेंगे, ऐसे OnePlus ने कहा है, लेकिन ऑफकोर्स हम जब टेस्ट करेंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी पेपर पे अच्छा लग रहा है। पोर्ट्रेट एंड रेयर कैमरा, ये दो बड़े डिफरेंस है कैमरा में OnePlus 5 और OnePlus 5T के अंदर। दोस्तों लेकिन एक फायदा है बड़ा OnePlus 5 में, ऑप्टिकल जूम। 5T में ऑप्टिकल जूम नहीं है और OnePlus 5 में 2x ऑप्टिकल जूम है। तो दोस्तों हार्डवेयर में देखा गया तो ये दो ही डिफरेंस हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में देखा गया तो OnePlus एक नई चीज लाया है, फेस अनलॉक। जी हाँ, जैसे आईफोन X में है वैसे, या फिर आईफोन 10 आप कहते हैं उसको, तो वो फेस अनलॉक है और बहुत ही अच्छा चलता है, मैंने उधर ट्राई किया बहुत अच्छा चलता है। लेकिन दोस्तों टेस्ट जरूर करना है कि अगर मैंने फोटो रखा मेरे जगह पे तो वो अनलॉक होता है क्या, तो ये सब टेस्ट करना पड़ेगा, क्या उसको फूल कर सकते हैं फेस अनलॉक को, अगर कर सकते हैं
तो वो फेस अनलॉक का कुछ फायदा नहीं है, कोई भी आके फोटो दिखा के खोल देगा आपका फोन। लेकिन टेस्ट करने के बाद हम जरूर बताएंगे, लेकिन ये डिफरेंस है OnePlus 5 और OnePlus 5T में। दोस्तों कल जब लाइव लॉन्च हो रहा था तो OnePlus ने कहा कि ओरियो अपडेट आ रहा है OnePlus T को दिसंबर में और OnePlus 5 पे आएगा अर्ली 2018 यानी जैन फेब मार्च तक OnePlus 5 में आएगा। ओरियो अपडेट दिसंबर में ही मतलब अगले महीने 5T में आने वाला है। तो दोस्तों ये थे सब डिफरेंसेस, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास OnePlus 5 है तो क्या आपने अपडेट करना चाहिए? दोस्तों मत कीजिए, OnePlus 6 के लिए रुक जाइए। लेकिन उसके पहले के कोई भी फोन्स अगर हैं आपके पास, OnePlus 3T, OnePlus 3, 2, 1 कोई भी है, तो आंखें बंद करके आप 5T ले सकते हैं, स्पेशली क्योंकि उसकी प्राइस, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, मैंने तो कहा था OnePlus 5 भी महंगा है, लेकिन उन्होंने और प्राइस नहीं बढ़ाई OnePlus ने, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी है कि OnePlus 5 के दाम अब गिर जाएंगे, मेरे हिसाब से 29,000-30,000 तक OnePlus 5 का प्राइस आ जाएगा। तो अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैमरा वगैरह नहीं है, स्क्रीन आपको 18:9 वगैरह नहीं चाहिए, तो OnePlus 5 आपको मिल सकता है 30 या उससे भी कम प्राइस में, तो वो भी आप सोच सकते हैं। दोस्तों ऑब्वियसली आप रुके हुए हैं हमारे एक्चुअल रिव्यू के लिए, हम भी रुके हुए हैं, हमने बहुत उनसे पूछा लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मिल गया, हमें अभी तक नहीं मिला है, कल परसों तक आ जाएगा, उसके बाद में हम ज़रूर करेंगे, तो उसके लिए ज़रूर रुकिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर कुछ सवाल है कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। अगले वीडियो तक,